तो छतरपुर पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बर्खास्त पुलिस आरक्षक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों पुलिस ने मारपीट के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध कट्टे सहित कारतूस बरामद किए थे, लेकिन मौके से तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम और साइबर पुलिस की मदद से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए थे, उसका आपने खुलासा भी किया था, जिसमें उसमें एक नाम निकल के आया था कि एक पुलिस बर्खास्त पुलिस वाला उसमें है, उसकी क्या भूमिका रही और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये जो छत्रसाल चौराहे पे एक गाड़ी में 6 कट्टे और बड़ी संख्या में कारतूस पकड़े गए थे, उसमें बाद में आरोपी पकड़े गए, जिसमें कि मुख्य आरोपी एक बर्खास्त कॉन्स्टेबल हमारे पुलिस विभाग का था। उसमें मूलतः यह नरसिंहपुर से बर्खास्त हुआ था और इसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया तो इसके कई अपराध यहाँ पर कोतवाली और सिविल लाइन से मिले हैं। इसकी जो गुंडा फाइल होती है वो हम तैयार करा रहे हैं, और इसके अलावा इसके क्या मामले जो न्यायालय में चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है इसको हम दिखा रहे हैं। और इस हथियार वाले प्रकरण के पूर्व 2 दिन या 3 दिन पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कि एक फायरिंग करते हुए दिख रहा है, वो भी यही व्यक्ति था। उस मामले में भी इसकी अरेस्ट हो रही है, यही आरोपी।